want to say I love you, you can say Pumrakun. So guys, finally पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के पास ही है तुम लोग. सो यहाँ से 10 मिनट्स का रास्ता है टोटली. सो पहुँचते हैं. फिलहाल तो ऑलरेडी 7:30 बज चुका है. कैसे सब लोग इधर बैठे हैं पहुँचते हैं. पहुँचने के बाद आपको पता तो. सो फाइनली गैस पहुँच चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट पर. एंड यहाँ पर एयरपोर्ट देख सकते गैस कितना मतलब कितना औसम है ना गैस. एयरपोर्ट कितना मस्त मतलब मस्त है गैस ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರತ್ತಿತ್ತು. 4 ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾ. ಓಕೆ ಬಾಳ ದೂರ ಆತ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲ ಹತ್ತೋಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಗೆ. ಈಗ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಕರಿ ಕರ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ರೇಗಾ. तो एडजस्ट कर लेना. देख सकते गैस कितना मतलब कितना औसम बना गया. एक लग्जरी मतलब लग्जरी फील हो रहा है. अंदर से हम लोग को जाना पड़ेगा. अब पहले इधर ही एडजस्ट हम लोग को पासपोर्ट एंड सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया है. तो सब लोगों को बोला है कि जो जो पावर बैंक भी बैग में मेन बैग में डाले ना सो हैंड बैग में डालने के लिए. और अंदर से आप एयरपोर्ट देख सकते हो कैसा है. सो यहाँ पर मोस्टली चेकिंग रहेगा बैग का. सो बैग का चेकिंग पहले कर लेते हैं. वहाँ दरवाजे से हमको जाना पड़ेगा. पहले यहीं पर रुके हम लोग. बहुत बड़ी लाइन है देख सकते हैं. सब कुछ यहाँ पर है. कितने मस्त मस्त है. परफ्यूम्स है विस्कीज है यहाँ पर फुल कॉस्टली रहेंगे. सो देख सकते हो कितना मस्त है ना. और ये ऊपर स्क्रीन है देख सकते हो ऊपर. ये देखिए सो लग्जरी शॉप रहेगा कुछ. एंड ऊपर ये देख सकते हैं कितना मस्त है ना. सो समय का जी करते. तो फाइनली टाइम आ चुका है कि अनाउंस करने का. सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं मलेशिया के लिए. सो एक्साइटेड है गाइस. देखेंगे हर दिन एक ब्लॉग आएगा. सो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब करके रखना चैनल को. अब जाते हैं C6E पर गेट है. मैं हुबली जाके ब्लॉग एडिट करूँगा गाइस. इधर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर टाइम टू टाइम उठना पड़ेगा सुबह भी. सो होएगा नहीं मुझे. सो क्या करते हैं कि 10:45 को एक गेट क्लोज होता है. सो इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी भाग के जा रहे हैं. यहाँ पर गेट पर आ चुके हैं. अभी 10:25 को कुछ गेट ओपन होएगा एंड आपको बताऊंगा. सो सीरियसली गाइस यहाँ पर मैंने जस्ट आइसक्रीम इतना खाया था. सुबह 2 आइसक्रीम खाया था और कुछ भी नहीं खाया था. जस्ट मैं यही खा रहा हूँ लड्डू खा रहा हूँ. इस सुमन ने दिया तो सेफ हो गया. हम मल्लिकार्जुन का वेट कर रहे हैं. हाँ आपको पता ही नहीं ना इसका नाम रोहित है. मैं रोहित हूँ गाइस. हाँ एंड इसका नाम सुमन है एंड इसका नाम मल्लिकार्जुन है. बोल्डिंग ओपन हो चुकी है. आपको पता था मोस्टली हम लोग को एक बस आएंगी उधर से. मैंने तो ऑलमोस्ट यूट्यूब पे यही देखा है कि एक बस हम लोग को एरोप्लेन तक लेके जाती है. फिलहाल अच्छा लग रहा है. पहली बार जा रहे हैं हम लोग प्लेन में. देखेंगे क्या बाद में कहेंगे. बाद में कहेंगे. इमिग्रेशन यही एरोप्लेन है गाइस. फोटो तो निकालेंगे नहीं. देखिए ऐसा कुछ है एरोप्लेन. अब जस्ट अंडर पैर डाल दिया है फर्स्ट टाइम इन एरोप्लेन. सो गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर. हम लोग ने सोचा था कि आराम से फ़ोटो निकालेंगे एरोप्लेन के साथ बट ये कुछ नहीं हुआ कि डायरेक्टली कनेक्टेड था एरोप्लेन. सो फिलहाल तो बैठे हैं कुछ मंगाते हैं. आपको फ्लाई होने का भी दिक्कत हो बस 6 o'clock तक हम लोग पहुँच जाएंगे कल सुबह उधर के टाइम पर. बट इधर इंडिया में 4 o'clock होएगा. जस्ट एरोप्लेन जा रहे हैं एंड रनवे पर अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. सभी 3 ही लोग हैं. During evacuation, leave your hand luggage. For Air Asia. Full speed, guys. Full speed. 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 का नाम है A320. सो इस पर गेट पर हम थोड़ा पढ़कर अच्छा सा कुछ फूड लेते हैं. तब तक कुछ नहीं कर. अभी तो कुछ फील हो रहा नहीं. मैंने वो जो हमको बेल्ट बोला था वो बेल्ट में निकाल दिया है. ओके स्टार्टिंग में थोड़ा आपको फील होगा क्योंकि स्टार्टिंग में प्लेन थोड़ा ऊपर से जाएंगे ना तो ऐसा ए शेप पर रहेगा ना तो को बैकवर्ड पुश ऐसा कुछ फील होएगा. सो एक ही वो एक है. बाद में तो आराम से नॉर्मली जा रहा है फूल. अब क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर ढूंढते हैं कुछ तो अच्छा सा फूड खा लेते हैं. ये भी कैसे देख रहे हैं.
कुछ दिख रहा नहीं गाइस, इसीलिए मैं ऐसा दिख रहे हैं वो चीटी के जैसा दिख रहा ब्रो। फाइनली गाइस एक चिकन राइस लिया है, इन मैम ने दिए हैं हमको फाइनली। एंड देख पहले इधर का फिनिश कर लेते हैं एंड आपसे बात करता हूँ। फाइनली गाइस हम लोग ने ये चिकन कुछ लिया है राइस, टेस्ट फीका भी कहेगा इस। फिर फाइनली वेज के लिए मंगाए हम लोगों ने, उसे कैसा लगा डिश? सबसे बकवास ये रेट है फूड का। इस फूड को हम लोग ने 400 रुपीज़ पे किया है गाइस, सीरियसली कुछ वर्थ नहीं है। मैंने वेज लिया है, सीरियसली ये तो हॉरिबल है गाइस, ये तो खा भी नहीं सकते। सो ये लिया है 250 रुपए का, ये कुछ लिया है कुछ काम का नहीं है। देख सकते हैं 1:30 बजे है और हम लोग पिज्जा कर रहे हैं। देख आप लोग देख सकते हैं सब लोग यही है एंड अभी रात हो चुकी है। मेरा दोस्त कंचन है और उधर अफसाना बेटी है, अफसाना और स्नील है इधर, यहाँ स्नील है। हाय हाय बाचा, ए कौन है? सब्सक्राइब सब्सक्राइब मत करो गाइस, So this is very much love this said Kombra comments, I love you guys. Thank you so much. Oh okay. If you like this video, don't forget to subscribe this one. Thank you so much. Thank you. Washroom guys, देख सकते हो इतना छोटा सा वॉशरूम है तो हमारे पर्टिकुलर इस पर, तो इस पर तो कमोड ही है, कुछ और नहीं है, देख सकते कमोड है एंड ए फुल ऑफ इतना कच्चा सेट कैसे गाइस। सो इस पर्टिकुलर कॉफी को मैंने 250 रुपीज पे किया है एंड सीरियसली कुछ वर्थ नहीं था गाइस, क्या करते हैं कि 6 o'clock तक हम लोग पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं गाइस, सॉरी ये हमारी इंडियन टाइमिंग है, मतलब इधर से 2 घंटे का फ्लाइट है। सो पहुंचने के बाद आपको बताता हूँ, टिल देन थोड़ा 2 घंटा तो नैप लेते हैं आराम से, उधर ही मिलता हूँ मलेशिया पर। सो ऑफिशियली लैंडेड टू मलेशिया गाइस, 6:30 इन मलेशिया टाइमिंग। मोस्टली हम लोग जाएंगे होटल को ही, उधर से इधर कनेक्ट करेंगे, पहले जाते फर्स्ट होटल को, नहीं तो बाहर जाके तो मिलता हूँ। तो गाइस मलेशियन एयरपोर्ट फाइनली, रोहित वेलकम टू मलेशिया गाइस। सो कुछ इधर लिखा है उनके लैंग्वेज पर, सलमान ता दांते के मलेशिया। अच्छा सा ना रोहित। सो फाइनली आउट फ्रॉम दिस इमिग्रेशन प्रोसेस, फॉगी वेदर ही है, तो 2 बस मंगाया है तो 2 बसें जाते हैं। फाइनली गाइस बस पर बैठ चुके हैं, आप इधर से आना गाइस, हम लोग होटल आना गाइस, इधर से 1 घंटे का रास्ता पर है। सो 1 घंटे हम लोगों को लगेगा पहुंचने के लिए। सो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है मलेशिया, देख सकते हो आप लोग, देखिए सिटी बोल नहीं सकता गाइस, आउटस्कर्ट पर है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल ग्रैंड कॉन्टिनेंट पर, अब क्या करते हैं कि बस करके थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं, फ्रेश अप होने के बाद ब्लॉग्स फिर स्टार्ट करूँगा। वीडियो तक अपने लोग ने देख लिया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कैसे बेल आइकन को दबा देना, सो दैट फॉर नोटिफिकेशन मिलना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, मतलब और 1 घंटे होने के बाद फ्रेश अप होकर मिलता हूँ गाइस। सो स्टे ट्यून्ड गाइस नेक्स्ट ब्लॉग, सो ट्रिम बी गाइस, स्टे सेफ, बाय गाइस, बाय बाय।